सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है। ड्रग मामले में जांच कर रही एनसीबी ने पहले तो सैमुअल रिमांडा के घर पर छापेमारी की, फिर सैमुअल को समन देकर हिरासत में लिया। सैमुअल से अभी तक मुंबई पुलिस ईडी और सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। अब सैमुअल ड्रग को लेकर एनसीबी की रडार पर है। दरअसल सैमुअल रिमांडा सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर रह चुका है। सैमुअल को 80,000 सैलरी पर रखा गया था। 22 मार्च को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सुशांत ने सैमुअल को अपने घर पर रहने को कहा था, इसलिए सैमुअल ने सुशांत के फ्लैट जाना छोड़ दिया था। सैमुअल ने बताया मई 2020 से सुशांत के साथ उनका कोई संपर्क नहीं था। सैमुअल को रिया चक्रवर्ती का करीबी बताया जाता है। फरवरी 2020 में सुशांत के बहनोई ओपी सिंह ने बांद्रा के तत्कालीन डीसीपी से मिलकर सैमुअल को थाने बुलाकर पूछताछ करने की अपील की थी। सुशांत के बहनोई ओपी सिंह को शक था कि सुशांत के खिलाफ साजिश रची जा रही है जिसमें रिया शामिल है और सैमुअल को इसकी जानकारी है। खबरें ये भी थी कि रिया ने सैमुअल की मदद से सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन लिया था। वो और रिया सुशांत के पैसों पर ऐश कर रहे थे। ड्रग कनेक्शन में जहां रिया और रशोविक की चैट सामने आई है, वहीं से सैमुअल रिमांडा के नाम का भी खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती की सैमुअल रिमांडा के साथ व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इसमें रिया ड्रग को लेकर बातचीत कर रही थी। फिलहाल एनसीबी सहित सीबीआई इस सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सुशांत केस में ड्रग की एंट्री ने इस सुसाइड मिस्ट्री को और भी उलझा दिया है।